जिला रामपुर में सपा नेता आजम खान 6 वर्ष की रेप पीड़ित बच्ची को देखने पहुंचे। जिला अस्पताल बच्ची को देखकर बोले, ओवरऑल क्राइम रेट कहां गया है? 4 सालों में कहां गया? 4वें महीने में कहां गया है? कितनी हत्याएं, कितनी लूट डकैती, और अब तो यह कहने में भी शर्म आती है कि कितने बलात्कार और किसके बलात्कार, किस उम्र का बलात्कार, यह कहते हुए भी शर्म आती है। वहीं रामपुर नवाब काजिम अली पर जमीन पर अवैध कब्जा के मामले में श्रम विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज होने पर आजम खान का बयान, अरे नवाब कहाँ के हैं, चोर है, सुप्रीम कोर्ट के स्टेट हैं, और जायदाद बेचने का और उसका पैसा खाने का, गिरफ्तारी पर अरेस्ट है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के कहे ये है नवाब, श्रम विभाग की जमीन पर अप्सरा ने मिलकर कराया है अवैध कब्जा, लेबर डिपार्टमेंट के अफसरों ने मिलकर जमीन बेची है। हथकड़ी अप्सरान में भी पढ़नी चाहिए, अकेले काजिम अली के नहीं अफसरों के भी पढ़नी चाहिए हथकड़ी, क्योंकि दोनों ने मिलकर बेची है जमीन। नवाब लोग हमारी ही खाते थे, खैरात क्यों सरकार नहीं बैठाती? CBI जाँच किया, देर मैंने ली होगी तो मैं जेल जाऊंगा, नवाब ने ली होगी तो वो जेल जाएगा। ओवरऑल क्राइम रेट कहा गया है? जी, 4 सालों में कहा गया, इन 14 महीने में क्राइम रेट कहा गया, कितनी हत्याएं, कितनी लूट, कितनी डकैतियां, और अब तो ये कहने में भी शर्म आती है कि कितने बलात्कार, किसके बलात्कार, किस उम्र का बलात्कार, ये कहते भी शर्म। अरे नवाब कहाँ के हैं, चोर है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है वक्त की जायदादें बेचने का और उसका पैसा खाने का, अरेस्ट स्टे है, गिरफ्तारी पर स्टे है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से काहे के नवाब? जिस तरीके से अवैध कब्जा किया गया है सर, क्या कहेंगे? अवैध कब्जा नहीं है, अफसरान ने मिलकर कराया है, लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी लेबर कमिश्नर, दूसरे कमिश्नर अफसरों ने मिलकर ये जमीन बेची है। क्यों, हथकड़ी अफसरान की भी डलनी चाहिए, अकेले नहीं, अकेले काजिम अली के नहीं, अफसरान की भी डलना चाहिए, क्योंकि दोनों ने मिलकर इसे बेचा, और उस पर तो रहम करो, खाने को नहीं है बेचारे के पास, माँ बच्चों के लिए कुछ मांग मांग के ले जाकर दो, जो इतने पाप कर रहा है रोटी खाने के लिए, उसके लिए रोटी का इंतजाम करो। हमारा ही तो खाते थे नवाब लोग, हमारा ही तो है इनके पास, अब भी दो इन्हें, पहले भी हमारी खैरात खाते थे, फिर दो। आजम भाई, वफ की जमीन भी बेची गई है जिले में आपके, है ना CBI जांच? मैं तो बराबर कह रहा हूं कि क्यों सरकार नहीं बिठाती CBI जांच, क्या देर है? मैंने ली होगी तो मैं जेल जाऊंगा, और उन्हें ली होगी और जाएंगे। मैंने तो वक्त की जमीन पर बच्चों का स्कूल बनाया है, खुलेआम कहता हूँ, और उसका मुतवल्ली है ट्रस्ट।